दोस्तों आज के इस वीडियो में जानेंगे कि WhatsApp पर डिलीटेड मैसेज कैसे हम देख सकते हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे कुछ फ्रेंड्स या फैमिली होते हैं जो कोई SMS सेंड करते हैं और सेंड करने के साथ ही उस मैसेज को डिलीट कर देते हैं और इस तरह से हम काफी कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कि यार ऐसा क्या था जो उसने डिलीट कर दिया और हम उस SMS को पढ़ नहीं पाते हैं, उसे देख नहीं पाते। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो में जानेंगे कि उस डिलीटेड मैसेज को कैसे हम देख सकते हैं और कैसे आसानी से रीड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स बिना टाइम वेस्ट के चलिए शुरू करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें करना क्या है कि हमें प्ले स्टोर में जाना है और प्ले स्टोर से हमें एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है जिसकी हेल्प से हम SMS रीड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें टाइप करनी है बबल्स फॉर व्हाट्सएप। उसके बाद में सेकेंड नंबर पर जो एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन को हमें इंस्टॉल करनी है। तो सबसे पहले इसे इंस्टॉल कर लेंगे। तो इस तरह से जो एप्लीकेशन था वो इंस्टॉल हो चुका है। अब इसे ओपन करते हैं और इस एप्लीकेशन को सेटअप करते हैं। यहाँ पर हमें नेक्स्ट करते जाना है। उसके बाद यहाँ पर कुछ परमिशन मांगेगा जो कि हमें दे देनी है। इसे भी यहाँ से एक्सेस कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर डन कर देंगे। डन करने के बाद हमारा लगभग सारा काम हो चुका है। अब इस मोबाइल से SMS करके देखते हैं कि हमारा जो नोटिफिकेशन है वो किस तरह से शो करता है। तो सिंपली यहाँ पर हमें टाइप करनी है, कुछ भी यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं। और मान लीजिए कि इसे टाइप करने के बाद यहाँ से हम डिलीट कर देते हैं, डिलीट फॉर एवरीवन। तो इस तरह से हमारा जो मैसेज था वो डिलीट हो चुका है। उसके बाद व्हाट्सएप पर आकर देखेंगे कि यह जो SMS था वो डिलीट हो चुका है, यानी कि हम उसे रीड नहीं कर पाए कि आखिर इसमें क्या था। तो सिंपली हमें करना क्या है कि हमने जिस एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया था उस एप्लीकेशन का बबल आपको यहाँ पर शो करेगा। सिंपली आपको यहाँ पर टैप करनी है। टैप करने के बाद आपको यहाँ पर शो कर देगा कि इसमें क्या लिखा हुआ था। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हाय कैसे हो, मैंने ये लिखा था, जो कि यहाँ पर ये शो कर रहा है, जो कि हमारा जो ओरिजिनल व्हाट्सएप है उस व्हाट्सएप पर इस SMS को डिलीटेड दिखा रहा है। सो फ्रेंड्स इस तरह से हम व्हाट्सएप पर डिलीटेड SMS को भी रीड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये ट्रिक पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।